भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर राजपूत टोला निवासी स्वर्ण व्यापारी कारू साह के घर मंगलवार की शाम बदमाशों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिससे गोली पीड़ित व्यवसायी के पेट में लग गई और वह घायल हो गया। लेकिन इस घटना में व्यवसायी और उसके घर वालों की जान बाल बाल बच गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद दो बाइक पर आए चार बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान एक कारतूस बरामद किया। इधर घटना को लेकर पीड़ित व्यवसायी कारू साह ने हाल ही में जेल से छूटे कुख्यात अपराधी राघोपुर टिकर गांव के मनु यादव उर्फ मनुआ और प्रिंस सिंह समेत दो अज्ञात बदमाशों पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित व्यवसायी ने कहा कि पूर्व में कुख्यात मनु यादव ने 5 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर इसका अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। कारू ने पुलिस को बताया कि शाम में वह नूरपुर स्थित अपने घर पर सोया था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और बेटी ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि 4 लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। साथ ही कहा कि बेटी ने जब उसे इसके बारे में बताया तो वह बाहर निकला, जहां आरोपी मनुआ यादव, प्रिंस सिंह और 2 अन्य व्यक्ति मौजूद थे, जिसमें से अचानक मनुआ यादव ने अपने पास से हथियार निकाल कर उस पर गोली चला दी। लेकिन वह अपना बचाव करने के लिए दीवार की आड़ में छिप गया, जिसके कारण गोली छिटक कर उसके पेट में जा लगी। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व में भी नाथनगर बाजार में कई व्यापारी से रंगदारी वसूलने के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दे चुका है। इधर मामले को लेकर मधुसूदनपुर के प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, जबकि पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी के लिखित शिकायत दर्ज कर घटना की पड़ताल की जा रही है। ओ बोल के कि कारू साह कहाँ छो, तो बोले कारू साह नहीं छे, तो डायरेक्ट ऐसा का गेट मारी दिल के धक्का, और वो बोल के पैसा देवे कि नहीं, निकल के पैसा कथी देवो, ओकरे में फायरिंग चला दिल के कहे केस करमा तो तरह फरू घर में बम मारी देवो या गोली मारी देवो एक पापा का। हाँ पति, अरे हम सूते हैं ना, मैं बेटी गया उठाने ले, पापा तो कह लो जैसे निकल लिया वो फायरिंग करके निकल लिया। कै बजे घटना छे? 4:30 बजे। कैसे आया था? अब 4 आदमी था गाड़ी में, 2 आदमी अंदर घुसा था, 2 आदमी बाहर में, कौन था? मनवा जाता था। और भागलपुर जिला परिषद कार्यालय सभागार में जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शिक्षा स्वास्थ्य समेत 7 समितियों के पदाधिकारियों का चुनाव जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन सा और TRDA डायरेक्टर प्रमोद पांडे की मौजूदगी में संपन्न कराया गया। इस दौरान सामान्य स्थायी समिति, वित्तीय अंकेक्षण एवं योजना उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति और लोक कार्य समिति का चुनाव हुआ, जिसमें निर्वाचित होने वाले सदस्यों को जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों का चयन किया गया। चुनाव कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष और DRDA डायरेक्टर समेत कई अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराया। वहीं सभी 7 समितियों के चुनाव को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह ने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिकारियों का मनोनयन कर लिया गया है और अब तेजी से जिला परिषद द्वारा विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणव कुमार, जिला परिषद सदस्य गौरव कुमार समेत जिला परिषद के कई सदस्य और अधिकारी कर्मी मौजूद रहे। 4th है सामाजिक न्याय समिति, 5th है शिक्षा समिति, 6th है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, 7th है लोक कार्य समिति। उसमें जो है 2 के जिला परिषद के अध्यक्ष प्रधान अध्यक्ष होते हैं, योजना समान स्थायी समिति के, वित्त एक्सटेंशन तथा योजना समिति के, और ये परंपरा रही है सामाजिक न्याय समिति के भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति और लोक कार्य समिति, और इसका जो है चुनाव मतलब कि जैसे कि अपने आपस में सहमति अगर बन जाए तो मेंबर का चुनाव जो है आप लोग सदस्य कर सकते हैं, और उसके बाद 4 समिति जो बच जाते हैं उसको जिला परिषद के अध्यक्ष ही उसको मनोनीत करते हैं। हम लोग आपसी तालमेल बना रहे हैं कि आपसी सहमति से बन जाए, बिना विद्वेष बिना भाईचारा से सब लोग आपस में तालमेल करके बन जाए, और जैसे समान समिति के बैठे हम लोग चल रहे हैं इसी तरह जिला परिषद को आगे बढ़ावे। हमारे डायरेक्टर साहब प्रमोद कुमार पांडे जी मौजूद हैं, हमारे DRDA पंचायती राज के जो है पदाधिकारी मौजूद, DPRO साहब हैं और हमारे अपर मुख्य कार्यपालक साहब जी मौजूद हैं यहाँ पर।
भागलपुर के बुढ़ानाथ स्थित अशोक घोष सेवा संस्थान की ओर से बुधवार को उद्यमी महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प और पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं इसको लेकर संस्था के सचिव उमा घोष ने कहा कि समाज सेवी और जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले उनके दिवंगत पति अशोक घोष समाज के सभी तबकों के हित में कार्य करते रहे और उनकी पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसका लाभ कलाकारों और आम लोगों को मिल सके। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वावलंबी बनकर निरंतर आगे बढ़ते रहे, इसके लिए संस्था की ओर से भी उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। जबकि अपने घर में खुद से तैयार किए गए उत्पादों को भी महिलाएं आम लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए प्रयास जारी रहेगा। मौके पर निकिता घोष, सहेली मुखर्जी, रोज कुमारी और अंजलि दास समेत कई उद्यमी महिलाएं मौजूद रहीं। ये प्रोग्राम है महिलाओं द्वारा, उद्यमी महिलाओं द्वारा प्रदर्शनी पेंटिंग, अपने हाथ से बनाया हुआ सामान जितने भी घर में महिलाएं अपने घर में बनाती हैं वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है। और अच्छे अच्छे अपने अपने हाथों से बनाया हुआ स्वेटर है, शॉल है, हाथ का बना हुआ साबुन है। हमारा बेटा जो है उसने पेंटिंग बनाई है। उद्देश्य महिलाओं का जो होता है कि आगे हम कैसे बढ़ें, हमको कैसे प्रोत्साहन मिले, हम कैसे आगे मार्ग प्रशस्त हो, कैसे हमारा आगे, यही सब लेकर के कि हमारा कम से कम। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। भागलपुर सुल्तानगंज अगुवानी पुल के अप्रोच पथ जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर कासिमपुर वार्ड 8 के ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए पुल निर्माण कार्य को बंद कराने की बात कही। इस दौरान मुआवजा नहीं मिलने से नाराज और आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही DCLR गिरिजेश कुमार सिंह और शंभू शरण राय, VDO मनोज कुमार मुर्मू और थानाध्यक्ष लाल बहादुर दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हंगामा कर रहे अगुवानी पुल भूमि अधिग्रहण के रैयत किसानों से बातचीत की। लेकिन BMP के जवान श्याम चरण के सिर में चोट लग जाने से घायल होने पर पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें काशिमपुर के कई ग्रामीण घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग मुआवजे की मांग को लेकर काम को बंद करा रहे थे, तभी पुलिस कर्मियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही कहा कि उन लोगों का मोबाइल भी पुलिस ने वीडियो बनाने के दौरान छीन लिया और मोबाइल टूट गया। इधर BMP के जवान श्याम चरण ने बताया कि अगुवानी पुल के कार्य को बंद कराने की सूचना मिलने पर वह सभी रैयत किसानों को हटाने गए थे, लेकिन वहां पथराव होने लगा जिसमें वह घायल हो गया। हालांकि इस घटना में इसके सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक पोकलेन भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं स्थानीय पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को भी दी, जिसके बाद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया। तो आप लोग जान बचा के वहाँ से भागे? हम लोग को चालू कर दिया और सीटी बजा कर इतना मारा है, देख लीजिए सर कैसा मार मारा है। फिर देखिए, देखिए जान, देखिए सटाइए सटाइए, देखिए सर, देखिए, देख लीजिए सर कैसा मार मारा। क्या बोले मोबाइल, क्या बोले इधर, बोले क्या बोले, मोबाइल 6-7 को चुरा गया है और 3-4 को ले गया है प्रशासन। ये घटना तो अचानक प्रशासन को लेकर के, पुल निगम लगातार बंद था काम, पुल निगम लेकर के आया और कुछ लोग जो रैयत थे वो गए पूछने के, भाई हम लोगों को पैसा नहीं मिला है कैसे कर, उसको पीटना शुरू कर दिया और लगभग हमको लग रहा है कि 15-20 लोग पिटाए हैं। उसके बाद वो उनका ये आक्रामक हुआ कि यहाँ बगल में गांव है, गांव में घर घुस घुस करके पीटना शुरू कर दिया। पर
परपाती प्रखंड के मत्स्य जीवी सहयोग समिति के नव निर्वाचित अध्यक्ष बिक्कू निषाद और मंत्री पद के लिए निर्वाचित अनुराग कुमार निषाद समेत नव निर्वाचित सभी सदस्यों को निर्वाचित पदाधिकारी परपाती वीडियो चंदन कुमार चक्रवर्ती ने प्रमाण पत्र सौंपा। वहीं इस दौरान अध्यक्ष और मंत्री समेत सभी विजयी सदस्यों को मौजूद लोगों और समर्थकों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री पद पर चुने गए अनुराग कुमार निषाद ने कहा कि मछुआरा समाज के लिए जो भी विकास कार्य करना आवश्यक होगा वह उनकी प्राथमिकता में होगी। साथ ही कहा कि मछुआरा समाज की सुविधा और हित के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। चुनाव 339 वोट से जीता मैंने। कितना मशक्कत करना पड़ा आपको चुनाव में? चुनाव है, कुछ ना कुछ तो मेहनत करना होता ही है, लेकिन मेहनत जो हुआ वो मेरा सिर्फ पर्सनल मेहनत नहीं हुआ, पूरी टीम का मेहनत हुआ, पूरे समाज का मेहनत हुआ और पूरा समाज मिलकर के सहयोग किया, जिस कारण से मैं इतने पूर्ण बहुमत से मैंने जीत प्राप्त किया।